ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भीम आर्मी सुप्रीमो यानी आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर क्या वाकई में दलितों के आइकॉन बनकर उभरे हैं या उभर रहे हैं या उभर चुके हैं? दोस्तों, आज की तारीख में कम से कम उत्तर भारत में कोई ऐसा नेता दलितों में नजर नहीं आ रहा है जो दलितों, पिछड़ों, ओबीसी या महिलाओं पर, किसी भी वंचित समाज के आदमी पर, महिला पर अत्याचार होने पर, व्यभिचार होने पर उनके लिए लाव लश्कर लेकर सड़कों पर उतर जाता हो। जहां भी अत्याचार होता है उनकी आवाज बनकर चंद्रशेखर आजाद अपने सैकड़ों साथियों के साथ, भीम आर्मी के सैनिकों के साथ वहां मौके पर पहुंचते हैं, चाहे वो यूपी का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो या मध्य प्रदेश का मामला हो। और यही वजह है कि उनका यही संघर्ष, वो जो दलितों के प्रति, मुस्लिमों के प्रति, पिछड़ों के प्रति जो नीति और जो बहुत बड़ा अभियान मान्यवर काशीराम जी ने छेड़ा था, क्या सचमुच में चंद्रशेखर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर दलितों के आइकॉन बन चुके हैं या आने वाले समय में वो देश के सबसे बड़े दलित नेता के रूप में उभर गए हैं या आने वाले वर्षों में दलितों के बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे? दोस्तों, जितने संघर्ष करके यह शख्स पार्लियामेंट तक पहुंच गया उससे तो यही लगता है कि आने वाले वर्षों में चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के सबसे बड़े संघर्षशील नेता बनकर उभरेंगे या और उनका उभरना तय है। उसकी मैं एक वजह बता रहा हूं, उसकी मैं आपको एक बानगी दे रहा हूं कि संसद में जिस तरीके से राजस्थान, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके कत्ल किए जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं या जो भी दलितों के साथ किसी भी तरीके के अत्याचार होते हैं, वंचितों के साथ अत्याचार होते हैं, भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर तुरंत वहां नजर आते हैं। और फिर हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दलितों की जो हत्याएं हुई, जो अत्याचार हुए, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो संसद में, जब संसद का सत्र चल रहा है उसमें वो बोलना चाहते थे, उन मुद्दों को उठाना चाहते थे, बावजूद इसके लोकसभा स्पीकर ने उन्हें बोलने का समय नहीं दिया। लेकिन दोस्तों,
चंद्रशेखर यही नहीं रुके, जब उन्हें पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया गया तो वो वहां से निकलकर हाथ में पट्टियां लेकर, नारे लिखे हुए पट्टियां दोनों हाथों में उठाकर सड़कों पर उतर गए और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें संसद में भी नहीं बोलने दिया गया, सांसद होने के बावजूद नहीं बोलने दिया गया, तो वो तो सड़कों पर संघर्ष करने के आदी हैं और यदि संसद में वो दलितों की आवाज नहीं बन सकते तो सड़कों पर उन्हें दलितों की आवाज बनने के लिए, दलितों की आवाज उठाने के लिए, वंचितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए वह अपने भीम सैनिकों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। देखिए उन्होंने अपने इस वीडियो में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ऐसे लोगों को कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए, सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है, तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है, आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे, जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकरलाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस FIR नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में, समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय, और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता, लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर हाथ में नारे लिखे पट्टियों को दोनों हाथों में लेकर सड़कों पर उतर गए। लेकिन क्या देश की और बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती में ये हौसला है कि वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को चंद्रशेखर की तर्ज पर उठा सके? धीरे धीरे जिस तरीके से मायावती अपना हौसला और अपनी बुलंद आवाज को देश में नहीं उठा पा रही हैं, चाहे वो अत्याचार दलितों पर हो, पिछड़ों पर हो, मुस्लिम पर हो, उसी का फायदा लगता है कि चंद्रशेखर को हो रहा है। उसी वजह से युवा दलित, लाखों युवा दलित चंद्रशेखर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, और उसी युवा वर्ग ने नगीना में जाकर रात दिन मेहनत करके चंद्रशेखर को जिताने का काम किया और संसद भेजा, और लगता है कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में और आने जब भी अगले लोकसभा चुनाव होंगे, आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के सैनिक जबरदस्त कोई कारनामे दिखलाएंगे, दलितों की आवाज बनेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे और दलितों को विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे, माननीय काशीराम के सपनों को जो अब मायावती जी पूरा करने की स्थिति में नहीं लग रही हैं। लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अब
माननीय काशीराम के सपनों को पूरा करेंगे और जो काम मायावती जी ने या काशीराम जी समय से पूर्व चले गए वो अधूरा रह गया है, चंद्रशेखर दावा कर रहे हैं कि बहन मायावती जी के अधूरे कामों को, बहुजन समाज पार्टी के जो अधूरे काम रह गए हैं या काशीराम जी के जो सपने थे जो वो करना चाहते थे बहुजन समाज के लिए, मैं रात दिन मेहनत करके अपने हजारों लाखों भीम सैनिकों के साथ मिलकर माननीय काशीराम के सपनों को पूरा करूंगा। दोस्तों, ये तो भविष्य बताएगा कि चंद्रशेखर आजाद कितने कामयाब होते हैं और वो जो दावे कर रहे हैं उनमें कितने सफल होंगे, क्या वो बहुजन समाज पार्टी या मायावती या माननीय काशीराम जी के छोड़े हुए कामों को या छोड़े हुए कारवां को जो रुकसा गया है उसको बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, इसका मैं दावा तो नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से तेजी से बहुजन समाज से छिटक कर वंचित समाज बहुजन समाज दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहा है, उनकी तरफ झुकाव हो रहा है, उनको वोट देने लगा है, इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से दलितों ने वोट दिया है, मुस्लिमों दलितों आदि ने मिलकर जिस तरीके से चंद्रशेखर को लोकसभा में पहुंचाया है, उससे तो यही लगता है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले वर्षों में देश में दलितों के आइकॉन बनकर उभरेंगे और दलितों की आवाज बनेंगे, देश के करोड़ों दलितों की, वंचितों की, बहुजन समाज के लोगों की आवाज बनकर उभरेंगे, इसमें मुझे कोई शक नजर नहीं आता। तो दोस्तों, ये था मेरा आकलन कि चंद्रशेखर आजाद कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी, कितने सफल होते हैं तो देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल अगले नए मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।